गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 22nd of Feb 2022। आज के डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। और कल के दिन वैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आई थी, ठीक है, बस एक दो एडिटोरियल थी जो इंपॉर्टेंट थी, बट सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। ओके, सो वीडियो को आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलती रहे। ओके, यहां पर फर्स्ट पेज के ऊपर एक हेडलाइन है, दैट इज निर्मला कॉल्स फॉर न्यूसेंट डिबेट्स ऑन जीएसटी रिफॉर्म्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर जो रिफॉर्म्स आएंगे उसके ऊपर न्यूसेंट डिबेट किया गया फॉर द निर्मला सीतारमन, ठीक है। सो इतना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है। बताया गया कि जो भी रेट करेक्शन किया जाएगा ऑन द टेक्सटाइल विल हिट पीएलआई स्कीम्स, ये पीएलआई स्कीम के जो स्कीम्स है उसको बहुत ज्यादा हिट करेगी अगर हम कोई भी रेट करेक्शन करते हैं ऑन टेक्सटाइल। ओके, ये पीएलआई क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसको बहुत ज्यादा हिट करेगा ये बताया गया, ठीक है। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि आप सबको पता है रिसेंटली जो हुई थी, अभी रिसेंटली जीएसटी समिट हुई थी 2022-23 की बजट में, आप सबको पता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसको ज्यादा फोकस किया गया है, कुछ ऐसे सेक्टर है जिसको फोकस ही नहीं किया गया है, ठीक है। बहुत कम एलोकेशन दिया गया है, जैसे आपको देख लीजिए कि मनरेगा में कम एलोकेशन दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा फोकस नहीं किया गया इस बजट में, ठीक है। सो दीज सेक्टर्स मस्ट नीड टू बी फोकस्ड, ऐसे सेक्टर्स फोकस्ड होने चाहिए क्योंकि आपको पता है मनरेगा में बहुत ज्यादा वर्कर्स अभी इन्वॉल्व है, ठीक है, वहां से बहुत ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तो उनको एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी जरूरत है वहां से, ठीक है। और एग्रीकल्चर को बूस्टअप करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का मेन जड़ है, ठीक है। यहां से हम बहुत सारी इनकम हमारी इकोनॉमी कंट्री के इसके ऊपर टोटली लगभग 60% ऑफ इनकम हमारी कंट्री की डिपेंड करती है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्टर विच मस्ट नीड फोकस्ड, बट इस टाइम पे एलोकेशन यहां अपना दिया नहीं गया उतना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट की रिज्यूम मिड डे मील स्कीम और DRRA, ठीक है। DRRA क्या है, दैट इज दिल्ली रोटी रोजी अधिकार अभियान, ठीक है। दिल्ली रोटी रोजी अधिकार अभियान ने क्या किया, मंडे में एक लीगल नोटिस सेंड किया तो दिल्ली गवर्नमेंट की 3 म्युनिसिपल बॉडीज में मिड डे मील स्कीम नहीं दिया जा रहा है, मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है इन द स्कूल्स, ठीक है। जबकि आप सबको पता है कि दिल्ली में लगभग 14 फरवरी से 1 से 8 क्लास तक के स्कूल को ओपन कर दिया गया है, ठीक है। आफ्टर दैट मिड डे मील स्कीम वहां पर नहीं इंप्लीमेंट की गई है। मिड डे मील स्कीम आप सबको पता है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बस आपको दे देता हूं, वो इंट्रो देता हूं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मिड डे मील स्कीम कब लाया गया था, 1995, लिख लीजिए 1995 में, ठीक है, 1995 में मिड डे मील स्कीम लाया गया था, ठीक है। ये किस गवर्नमेंट में इसको लॉन्च किया गया था, इट वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राय, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राय, पीवी नरसिम्हा राय के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। और इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आती है। पहले कहां पर इसको लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु में, ठीक है। पहले अगर पूछेगा कि पॉइनर कहां हुआ था, सो इट इज द पॉइनर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये एक्चुअली इसका मेन पर्पस क्या था कि टू प्रोवाइड हॉट कुक मील को प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशियस फूड देगा टू all the children who are from the primary and upper primary schools students, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशनल है, प्रोटीन्स वाली फूड्स है, वो टू ऑल द स्टूडेंट्स वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग DRRA ने नोटिस किया है टू द दिल्ली गवर्नमेंट की 3 म्युनिसिपल बॉडीज है वहां पर मिड डे मील नहीं दी जा रही है इन द स्कूल। ओके, थोड़ा सा मैं आपको DRRA के बारे में बता दूं कि DRRA इज एन इंटरनेशनल, सॉरी नॉट इंटरनेशनल, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग फूड सिक्योरिटी, ठीक है। एक टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके टुवर्ड्स काम करता है, फूड सिक्योरिटी के टुवर्ड्स काम करता है और स्पेशली टू द पुअरेस्ट एंड द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ठीक है। किसके तरफ ज्यादा इसका फोकस रहता है, जो कि बहुत ज्यादा पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, ठीक है, उनके तरफ ये बहुत ज्यादा ये काम करता है, उनके रिगार्डिंग में, उनके पर्पज में ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली नोटिस दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को मंडे में, कि जो 3 म्युनिसिपल बॉडीज हैं वहां पर मिड डे मील नहीं दी जा रही है इन द स्कूल डिस्पाइट द फिजिकल क्लासेस ऑफ द स्टैंडर्ड 1 to 8 रिज्यूमिंग फ्रॉम द 5-14। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील स्कीम एक्चुअली है क्या, उसका मेन एम क्या है। ओके, नाउ हियर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज उड़ीसा आर्ट्स प्रोड्यूसर एंड सेलर टू एग्जॉस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक स्टॉक। ठीक है, उड़ीसा ने आज मतलब कि पूछ बताया है, ठीक है, कि प्रोड्यूसर एंड सेलर को बोला है कि आप एग्जॉस्ट कीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक स्टॉक्स को, खत्म कीजिए वहां से। ठीक है, आप सबको पता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द, जो भी हम मूव कर रहे हैं कि प्लास्टिक बैन हो जाए, ठीक है, हमारा जो कंट्री है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाए। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग जो प्लास्टिक बैन है उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा हमें फोकस देने की जरूरत है। सो इसी के रिगार्डिंग उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स और सेलर्स को बोला है कि आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक स्टॉक्स उसको एग्जॉस्ट कीजिए। The state has banned its manufacturing sale from July 1. July 1 से इन्होंने पहले ही बैन कर रखा है manufacturing प्लास्टिक की manufacturing प्लास्टिक की सेल को इन्होंने बैन कर रखा है। ओके, the Odisha government has asked all producer and stock list of single user plastic SUP to exhaust their stocks by June 2030. ठीक है, सॉरी नॉट 30 जून से पहले बोला है कि आप इसको सबको, जितने भी आप सबके पास जो भी प्लास्टिक्स के स्टॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, पहले से आपने इंपोर्ट किया है या फिर पहले से मैन्युफैक्चर किया है, पहले से बनाया है, ठीक है, जो भी है उसको आप क्या कीजिए, उसको हटाइए वहां से। ठीक है, उसको जैसे जैसे वो नहीं पता कुछ भी हो, ठीक है, उसको वहां से खत्म कीजिए, उसको जला दीजिए, फेंक दीजिए। ठीक है, आपको पता नहीं, ये मैन्युफैक्चर होके भी आते हैं, कभी कभी एक्सपोर्ट होके भी आते हैं, इसको स्टॉक में भी रखा गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, सेल भी होता है, एंड यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एसयूपी वुड बी prohibited from July 1। okay, और उड़ीसा गवर्नमेंट, आपको पता है कि उड़ीसा में फ्रॉम द 1st of July 2021 से लेकर अब तक अभी तक प्लास्टिक बैन है। ठीक है, प्लास्टिक की सेल के ऊपर, प्लास्टिक का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक की स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन इन उड़ीसा। ओके, सो इसके रिगार्डिंग उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है प्रोड्यूसर को कि आप जितना से जल्दी हो सके सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक स्टॉक्स को एग्जॉस्ट कीजिए। ओके, इन 2018 इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर द सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द स्टेट फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट हैड प्रोहिबिटेड द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक डिस्पोजेबल कटलरीज मेड अप ऑफ मोलोकॉल्स, ठीक है, मोलोकॉल्स, मोलोयाप्लिदम्स एंड प्लास्टिक इन ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द म्युनिसिपैलिटीज लिमिट्स। ठीक है, सो ये एक एक्ट आया था, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके रिगार्डिंग द स्टेट फॉरेस्ट एंड द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने बोला कि सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स है उसको डिस्पोज, उसको प्रोहिबिटेड है वो, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ द थर्मोकॉल, ठीक है, पोलोसिस्थाने एंड दैट इज प्लास्टिक इन ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज लिमिट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ वार्निंग ऑफ एक्शंस लिए गए हैं, दैट इज इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ऑल प्रोड्यूसर, स्टॉक लिस्ट, रिटेलर, शॉपकीपर, ई कॉमर्स कंपनीज, स्ट्रीट वेंडर्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल पब्लिक टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल यूजेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एसयूपी आइटम्स, सेड द उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, किसने ये बोला है, उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि इन्फॉर्म करते हुए सारे प्रोड्यूसर्स, स्टॉकलिस्ट, रिटेलर, शॉपकीपर, ई कॉमर्स कंपनीज, स्ट्रीट वेंडर्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, जनरल पब्लिक्स को भी बोला है कि जो भी प्रोडक्शन है प्लास्टिक्स की, ठीक है, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स की प्रोडक्शन को, स्टॉकिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, यूजेस को बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बेटर होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को ये इफेक्ट करता है। ओके, सो इसके रिगार्डिंग ये उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है कि वो इसके रिगार्डिंग बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल, दैट इज नाउ कंपनसेशन फॉर द कोल प्रोजेक्ट। ठीक है, कोल प्रोजेक्ट को की कंपनसेशन को रिवाइज करने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अभी एक्चुअली है क्या कोल प्रोजेक्ट, क्या है उसके रिगार्डिंग, क्या कंपनसेशन की बात की गई थी कि इसको रिवाइज करने की बात की गई है। देयर विल बी नो फोर्सिबल लैंड एक्यूजन फ्रॉम डेओचा पंचामी से ममता। ममता बनर्जी ने बोला है कि कोई भी फोर्सफुली लैंड एक्यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन सेंस ऑफ दिस कंपनसेशन जो कोल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है उसको अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अमिड प्रोटेस्ट फ्रॉम द सेक्शन ऑफ विलेजर रिसाइडिंग इन द प्रपोज डेओचा पचामी कोल ब्लॉक एरिया, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन मंडे रिवाइज द कंपनसेशन पैकेज ऑफ फॉर दोज लूजिंग दियर लैंड फॉर द 35,000 करोड़ प्रोजेक्ट। ठीक है,
जो कोल प्रोजेक्ट है, कोल प्रोजेक्ट लगभग कितने हजार करोड़ का है, लगभग 35,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट स्टाब्लिश करने की बात की गई है। इसके रिगार्डिंग आपको मैं बता दूं कि एक सेक्शन ऑफ विलेजर्स है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हमारा लैंड को फोर्सफुली एक्यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया है कि देयर विल बी नो फोर्सफुली लैंड एक्यूजन फॉर देवचा पंचामी, सेज ममता। ओके, सी सेड दैट प्रोजेक्ट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू 1 लाख पीपल्स, ठीक है। उन्होंने ये भी ऐड किया है कि दिस विल क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा मदद करेगी, ठीक है, टू ऑल द फैमिली, जो भी फैमिली मेंबर्स उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि एक एज पर द रिवाइज रिलीफ रिहैबिलिटेशन पैकेज, अ पर्सन हैविंग लैंड इन द एरिया विल गेट डबल इट्स मार्केट वैल्यू अलॉन्ग विद 100% स्कॉटलम्स एंड इट्स एज अ लैंड कॉस्ट, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एज पर द रिवाइज रिलीफ रिहैबिलिटेशन पैकेज, जो भी पर्सन की लैंड है उस एरिया में, उसको क्या मिलेगी, जो मार्केट वैल्यू है उससे डबल प्राइस में उसको उसकी कीमत मिलेगी, ठीक है, अराउंड 13 लाख पर बीघा, 13 लाख पर बीघा के हिसाब से उसको दिया जाएगा। ओके, हाई ग्रेड पोस्टिंग की बात की गई है के अंदर, जो भी आपके स्कीम से उसको इंक्लूड उसको एक्सटेंड किया गया, जैसे कि 600 स्क्वायर फीट में जो होम दिया जा रहा था उसको 700 स्क्वायर फीट एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। जो भी कंपनसेशन दिया जा रहा था टू बिल्ड द हाउसेस, हाउस को बिल्ड करने के लिए, उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, अ नोट शेयर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये शेयर किया गया, ये बताया गया, ठीक है। सो द स्टेट गवर्नमेंट सेट द इन्वेस्टमेंट इन द RR पैकेज इज अराउंड 10,000 करोड़, ठीक है। और बताया उन्होंने कि जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया इस RR पैकेज की जो इन्वेस्टमेंट है उसको लगभग बताया 10,000 करोड़ के आसपास की इसकी इन्वेस्टमेंट है। ओके, द गवर्नमेंट विल डेवलप दिस प्रोजेक्ट एंड नो लैंड विल बी गिवन टू द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि दे आर गोइंग टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट वेयर द लैंड विल नॉट बी गिवन टू द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को लैंड नहीं दिया जाएगा। देयर आर सम हु आर ट्राइंग टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो उनको उनसे अपील की है कि प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, ठीक है। देयर आर 12 villages in areas with 4,314 household with a population of over 21,000, ठीक है, कुछ इस टाइप के वहां पर एस्टिमेट लगाई गई है किस टाइप से यहां पर वो लोग ऐसे तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। सो ये बताया गया है कि हम लोग क्या लैंड को हम जबरदस्ती नहीं लेंगे, फोर्सफुली नहीं लेंगे, इसके रिगार्डिंग आपको कोल कंपनसेशन देंगे, आपको हम जॉब देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपको जो भी हो सके बेनिफिट्स हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे रिलीफ एंड रिवाइज रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज के अंतर्गत। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये कोल के रिगार्डिंग, कोल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आई थी। ओके, हियर इज वन इंपॉर्टेंट न्यूज दैट नेवी प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंटीजेंसी, कोविंद हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी ने बताया है कि हु इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, यू नो दैट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। उन्होंने बताया है, उन्होंने सेटिस्फैक्शन जताया ओवर द प्रिपेयर्डनेस एंड द कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ नेवी इन विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम में जो भी नेवी का प्रिपेयर्डनेस है और कॉम्बैट रेडीनेस है उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा अभी प्रदर्शन हमारा रहा है, ठीक है। और भी इन्होंने बताया है, इन द प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन ऑन द इंक्रीजिंग सेल्फ रिलायंस एंड द आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ही पॉइंटेड आउट दैट अबाउट 70% ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेवरल वॉरशिप सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट शिपयार्ड्स अक्रॉस द कंट्री वर इंडिजीनियस, ठीक है। मतलब हमने कंट्री को इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत की तरफ मूव किया है, सेल्फ रिलायंस इंडिया की तरफ बढ़ा है, ठीक है। वहां पर इन्होंने अपना सेटिस्फैक्शन जताया है और लगभग 70% ऐसे कंटेंट्स है जहां पर several warships, several marines, submarines were under constructions were indigenously built in our country only. Okay, so इन्होंने अपना इन्होंने एक और expression happiness की तरफ दिखाया है, INS विक्रांत की तरफ, ठीक है, और जो कि indigenously built aircraft carrier है, which would come into service shortly, ठीक है। INS विक्रांत अभी recently service में आ जाएगा, इसके regarding भी इन्होंने अपना expression दिखाया है, ठीक है। So navy की बहुत अच्छी preparedness है in the in विशाखापट्टनम region में, so इसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया, ठीक है। सो ये आर्टिकल यहीं पर था,
अगला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं, यूएस इंटरनेशनल लॉ फॉर कॉल आउट चाइनीज वायोलेशन। चाइनीज वायोलेशन के रिगार्डिंग इंडिया और चाइना का आपको पता है कि कभी भी नहीं बना है, शायद नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया चाइनीज जो है ना, चाइनीज ये कभी सुधरेंगे नहीं, सुधरने वाली पार्टी तो पहली बात ये है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ये तोपखान बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये इंडिया के खिलाफ करते रहते हैं, ठीक है, तो इंडिया भी इसको अच्छे से दे देता है, एक बार जो दे देता है फिट हो जाता है, खत्म कहानी हो जाती है इसकी, ठीक है। सो जब एक बार जैसे क्या है ना कि चाइना क्या करेगा, बार बार कुछ ना कुछ वो जैसे कि आग में घी डालने वाला काम कर देता है, ठीक है, तो इंडिया ने अभी क्या किया रिसेंटली इसके खिलाफ में 52 ऐप अगेन बैन कर दिया चाइनीज की, चाइनीज गवर्नमेंट की, ठीक है। सो एक बहुत अच्छा मूव है इंडिया का, एकदम बहुत अच्छा मूव है हमारी कंट्री का, एक स्लोली पीसफुली मूव हम लोग ले रहे हैं, ना कि हम लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वॉर कर रहे हैं, ठीक है, हम इनसे ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी में भी आगे आ जाएंगे, ये भी जान रहे हैं कि अगर हमको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दिया गया सो वे विल डेफिनेटली कम इन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। लेकिन यहां पर जो डिस्प्यूट है ये थोड़ी सी अलग बात, एलएसी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट बात की गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रिगार्डिंग वहां पर जो डिस्प्यूट चलती है वहां पर कुछ अलग ही चलती है, ठीक है, वहां पर बहुत सेवरल ईयर से वो डिस्प्यूट चल रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है भैया, ठीक है, क्योंकि ये है सुधरेंगे नहीं, ये पार्टी सुधरने वाली है नहीं, पहली बात, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जैसे कि देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ चाइना वेपनाइजिंग इन द इंटरनेशनल लॉ टू द फादर ऑफ विल ऑफ सीपीपी, ठीक है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। पहला क्या है, चाइना फ्रीक्वेंटली डिनाउंस्ड इन 2016 रूलिंग इन फेवर ऑफ फिलीपींस बाय द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अंडर द एजिस ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी एंड मैराइम डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू साइड्स इन द साउथ चाइना सी, ठीक है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑल्दो चाइना क्लेम्स टू बी अ डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ रिजीम एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चाइना क्या करता है, चाइना क्लेम करता है कि दे आर द डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ रिजीम एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द फैक्ट इज दैट इट हैज इंडिजियसली एक्सप्लॉइटेड द सिस्टम टू पर्स इट्स पॉलिसी ऑफ मर्चेंटलिज्म बाय हाइडिंग बिहाइंड नॉन ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। आप सबको पता है कि चले ठीक है, चाइना का इकोनॉमिक बहुत अच्छा है, चाइना टेक्नोलॉजी में भी धीरे धीरे आगे आ रहा है, ठीक है, अभी डेवलप्ड कंट्री हो गया है चाइना है, तो ये क्या है? मतलब क्या है, ये मनमानी करेगा? ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ भी कर देगा भाई, ठीक है, क्योंकि हर किसी को अपना अलग अलग करने की हर एक चीज की राइट्स है, और ये वही करेगा जो कि अदर कंट्री जैसे कि इसने अभी रिसेंटली आप सबने सुना होगा कि इसने सैंक्शन इंपोज कर दिया है यूएसए पे, ठीक है, यूएसए की दो कंपनीज पे इसने सैंक्शन इंपोज कर दिया है, और उसके रिगार्डिंग सो इसकी जो सैंक्शन है वैल्यूएबल है, ठीक है, इसके सैंक्शन वैल्यूएबल है क्योंकि इसकी इकोनॉमिक इतनी बहुत ज्यादा इसकी लार्ज इकोनॉमी है, ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग इसने जो सैंक्शन इंपोज किया है तो कुछ कंट्री वहां पर एक्सेप्ट करेगी, कुछ कंट्री वहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसे इंडिया को कोई मतलब ही नहीं है, इंडिया का हमेशा से वही दुश्मन ही रहा है और हमेशा से रहेगा भी शायद, क्योंकि कोई इसको रिलेशन से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या करता है क्या नहीं करता है, ओके। सो यहाँ पर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हुए ऑथर ने बोला है कि दैट अमेरिकन स्कॉलर ऑड एफ क्रिटी राइट्स इन हिज बुक लॉ, ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ एज अ वेपन ऑफ वॉर, ठीक है, एक बुक लिखा गया किसके द्वारा, ऑडे एफ क्रिटी के द्वारा, दैट इज चाइना हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गेमिंग द इंटरनेशनल लीगल सिस्टम बाय एंटरिंग इनटू लीगली बाइंडिंग वेपन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशन वेर विद इट्स रिवाइवल including the USA, Japan, North Korea tend to comply while the secretly violates these obligations by providing nuclear technology to its ally often through proxy. Okay, is ek book likha gaya tha law as a weapon of war jisme bataya gaya ki China ka bahut hi long history hai in the history of gaming and the gaming in the international legal system by entering the legal bindings nuclear non-proliferation objections. theek hai, so ye teen important points the jo ki aapko yaad rakhne hai is article se, theek hai, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और चाइना और इंडिया का रिलेशन आपको पता है कभी बैक ईयर से भी अगर आप देखिएगा तो रिलेशन उतने अच्छे थे नहीं, और अभी तो कुछ ज्यादा ही हार्श होते जा रहे हैं कंडीशन, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग आप सबको ये मैंने बता दिया, ठीक है, दिस वाज द आर्टिकल ऑफ दैट। मनरेगा के मैंने आपको बताया था, मनरेगा का जो बजट एलोकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, मनरेगा को जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है कि इतना दिया गया इस क्वार्टर में, इतना दिया गया इस क्वार्टर में, क्वार्टर वन में 120.7, क्वार्टर टू में 103.38, क्वार्टर थ्री में 75 एंड क्वार्टर फोर में 86.54। सो इस टाइप के
कुछ एस्टिमेट लगाए गए 2021-22 में आप देख सकते 34.79, 65.46, ठीक है 90.21 एंड 127.57। पहले में आया तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अभी इसके ऊपर इसका फोकस बहुत कम कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग ये यहाँ पर सारी डिस्प्यूट पे बात की गई है। ओके सो आपको पता है इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार बजट में मनरेगा को कुछ दिया नहीं गया है। ये दोनों लिखा गया है, ये आर्टिकल किसने लिखा है, अनुज गोयल और लावण्या तमंग के द्वारा इस आर्टिकल को लिखा गया, आपको ये बताना चाहिए। ठीक है सो और भी हम देखते क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है यहाँ पर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा बिकॉज दिस इज ऑल रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, ये सारे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ठीक है ऑस्ट्रेलिया कॉल फॉर फुल प्रॉप बाय चाइना इनटू लेजर इंसिडेंट। ठीक है आप सबको पता है ये न्यूज के बारे में। ठीक है रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को चाइना का लेजर के द्वारा उसको हर्ट करने की कोशिश, वो क्राफ्ट एयरक्राफ्ट डूबते डूबते मतलब कि उस क्रैश करते करते बच गया। ठीक है लगभग 10-12 पैसेंजर को लेकर वो एयरक्राफ्ट उड़ा था और उसको उसमें मैं आपको बता दूं कि उसने चाइना ने क्या किया, लेजर से उसको एक मारा, लेजर लाइट दिया उसमें ताकि वो उसका जो पायलट है वो अंधा हो जाए और वो प्लेन जाके वो एयरक्राफ्ट जाके क्रैश कर जाए। ठीक है सो इसी के रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने कॉल किया है फॉर द फुल प्रॉप बाय चाइना इनटू लेजर इंसिडेंट। ये करता रहता है, ये हरकत ऐसे करते रहेगा, ये सुधरने वाली पार्टी नहीं है भैया। ठीक है सो इसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है अगर एक्शन नहीं लेंगे तो बाद में अगर कोई बड़ी इंसिडेंट हो जाएगी फिर बोलेगा कि चलो भैया हम तो चाइनीज है, हमने ये इस फील्ड में इतना काम किया, हमारा टेक्नोलॉजी इतना है, हम तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम इसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हम उसके ऊपर सैंक्शन ठोक देंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है सो अगर इसके ऊपर हम अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है सो यहाँ पर हमें इसके टुवर्ड्स एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पर बताया गया है कि द P8A Poseidon, a maritime patrol aircraft, detected a laser eliminating from a public liberation army navy. ठीक है ये बता P8 Poseidon नाम का एक एयरक्राफ्ट था जो कि maritime patrol के पेट्रोलिंग कर रहा था अपने ही रीजन में, अपने इंक्लूसिव जोन में वो पेट्रोल कर रहा है, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। ठीक है सो वो पेट्रोल कर रहा था, पेट्रोलिंग के दौरान इन्होंने क्या किया, अचानक इनका चाइनीज सबमरीन आया, शिप आया, वॉरशिप आया, ठीक है और इन्होंने एक वहां से लेजर छोड़ दिया। ठीक है सो उनका जो एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट में जो पायलट था वो क्या हो गया, अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया, वो तो नीचे आ गया। ठीक है नीचे आते आते वो क्रैश, जब तक वो नीचे आया तब तक वो भाई मानना पड़ेगा उस पायलट की भी क्या एक्सपीरियंस्ड होगी तभी तो वो बच गया, नहीं तो ऐसे अगर वो कोई लेजर मारेगा तो वो तो अंधा हो जाएगा भाई, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है सो इस टाइप के कुछ हरकत ये करते हैं, ये सुधरेंगे नहीं, मैं आपको बता दिया ये सुधरने वाली पार्टी नहीं है, इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस ना करें तो वही बेहतर होगा। ठीक है चलिए अगले न्यूज की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में, दैट इज क्राइसिस इन यूक्रेन डोनबास रीजन में जो क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, स्टार्ट कहां से हुए, कैसे है, क्या है मींस एग्रीमेंट, क्या नाटो का रोल है। ठीक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप हो जाता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दिस इज द यूक्रेनियन रीजन, ये कौन सी रीजन है, ये यूक्रेन रीजन है। ठीक है यूक्रेन का ये पूरा पार्ट है। ठीक है ये डोनबास का एरिया है, और यहां पर ये मॉस्को के पूरी सोल्जर्स, यहां पर रशिया के पूरे ट्रूप्स यहां पर क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है यहां ये क्रीमिया वाला पार्ट है, ये भी एज यूक्रेन का पार्ट आता है, लेकिन यहां पर रशिया के द्वारा इसको एनेक्स किया गया था 2014 में। ठीक है 2014 में रशिया के द्वारा इसको एनेक्सेशन किया गया था, किसको, क्रीमिया वाला पार्ट को। ओके ये एक्चुअली इससे पहले 2014 से पहले ये किसका पार्ट था, यूक्रेन का पार्ट था ये वाला। ठीक है क्रीमिया वाला। ठीक है सो आपको पता है कि अभी रिसेंटली यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं। ठीक है नाटो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, एक्चुअली जो रशिया के ट्रूप्स है लगभग 130,000 के आसपास ट्रूप अभी रशिया के डिप्लॉयड है ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर। ठीक है ये डिस्प्यूट एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी रिसेंटली मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूं। डैट टेंशन स्पाइरल्स बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट ओवर यूक्रेन, द रेबल्स हैड सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेट्स्क एंड लुहांस्क पीपल रिपब्लिक इन द ईस्टर्न यूक्रेन हैव स्टार्टेड इवेल्युएटिंग द सिविलियन टू द रोस्टोव रिवर्स। ठीक है यहाँ पर बताया गया कि सैलिंग्स स्टार्ट हुए वहां पर। ठीक है अगर वो यूक्रेनियन सोल्जर्स को अगर सॉरी नॉट यूक्रेनियन ठीक है सेलिंग्स इज गोइंग टू बी ऑन इवन इन सिविलियंस एरिया बिटवीन यूक्रेनियन सोल्जर्स एंड रशिया बैक ट्रेवल इन रिस्पॉन्स रशिया हैज एक्सटेंडेड मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन द यूक्रेनियन नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक है यहाँ पर रशिया ने क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज को एक्सटेंड कर दिया है यूक्रेनियन नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ। ठीक है और रशिया इज रेडी to protect citizen also, रशिया क्या है citizen को protect करने के लिए ready है if the lives are in danger। okay
सो यहाँ पर बताया गया, मॉस्को इज पेइंग एवरी वन अराइवल फ्रॉम द डॉनबास 10,000 रूबल्स एंड गिविंग देम रिफ्यूजी। जो भी डॉनबास रीजन से जो भी आ रहे रिफ्यूजेस, उनको क्या कर रहे हैं, 10,000 रूबल दे रहे हैं और उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए अपना वहां पर रिफ्यूजेस के तौर पर रिफ्यूज कैंप में रहने दे रहे हैं। अब ये क्राइसिस एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ, द डॉनबास रीजन कंप्राइजिंग डॉनस्टिक एंड लुहानसिक ऑब्लास्ट ऑफ यूक्रेन हैज बीन एट द सेंटर ऑफ कंफ्लिक्ट सिंस मार्च 2014। ये बात अब की नहीं है, ये बात 2021 की नहीं है, 2020 की नहीं, ये बात 2014 की है। 14 से ये लड़ाई स्टार्ट है, 14 से ये क्राइसिस स्टार्ट है, व्हेन मॉस्को इन्वेडेड एंड एनेक्स्ड क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, आपको मैंने बताया 2014 में इसको एनेक्स कर लिया गया था, किसके द्वारा, मॉस्को द्वारा इस एरिया को, क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स किया गया था। उसके बाद से ही ये वॉर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इन अप्रैल प्रो रशिया रिबल्स बिगेन सीजिंग टेरिटरी, ठीक है, इन ईस्टर्न यूक्रेन। ठीक है, अप्रैल में क्या हुआ कि जो प्रो रशिया रिबल्स है वो टेरिटरी सीज करने लगे, कहां पर, ईस्टर्न यूक्रेन में। एंड इन मई 2014 द रिबल्स इन द डोनस्टिक एंड द लुहांस्क रीजन हेल्ड अ रेफरेंडम टू डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, उन्होंने फिर बाद में क्या कर दिया, ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया फ्रॉम द यूक्रेन से, किसको, डोनस्टिक रीजन को। ठीक है, सिंस देन दीस प्रोमिनेंटली रशियन स्पीकिंग रीजन within the Ukraine have been witnessing sailings and skirmishes between the rebels and the Ukrainian forces leading to the loss of over लगभग 14,000 लोगों की उस समय से लेकर अब तक जाने गई हैं due to the sailings and skirmishes between the rebels and the Ukrainian forces। Okay, so ये बहुत ही बड़ा dispute था, आपको पता होना चाहिए कि 2014 से ये dispute चल रहा है, जब से ये रशिया ने इसको क्रीमिया वाला पार्ट को उसको कब्जा किया, ठीक है, annex किया। ठीक है, वन वे टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ द वॉर वुड इंप्लीमेंट द मीज एग्रीमेंट इमीडिएटली। बताया जा रहा है कि एक तरीका है कि हम इस वॉर को प्रिवेंट कर सके, इस आउटब्रेक को हटा सके, वो किस तरीके से है, वो कौन सा वो तरीका है, दैट इज मिंस एग्रीमेंट। व्हाट इज मिंस एग्रीमेंट, मिंस एग्रीमेंट है क्या, वो मैं आपको बता दूं। ये एग्रीमेंट एक्चुअली दो प्रकार का है, पहला मिंस वन, मिंस टू। ठीक है, इसको मैं आपको बता दूं किसके नाम पर ये रखा गया था, मिंस एग्रीमेंट, दैट इज बेलारूशियन कैपिटल मिंस के नाम पर रखा गया था इसको। ठीक है, मिंक्स वन में क्या है, इट वॉज रिटन इन सितंबर 2014 में इसको लिखा गया था बाय ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन यूक्रेन। ठीक है, ऑन यूक्रेन किसके द्वारा लिखा गया था, ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन यूक्रेन, एग्जाम्पल यूक्रेन, रशिया, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप विथ मेडिटेशन बाय फ्रांस एंड जर्मनी इज कॉल्ड सो नोमैंडी फॉर्मेट। अंडर मिंक्स वन यूक्रेन एंड रशिया बैक्ड रिबेल एग्री ऑन अ पॉइंट 12-point सीज फायर डील विथ which included prisoner exchange, delivery of humanitarian assistance, the withdrawal of heavy weapons। ठीक है, इस एग्रीमेंट में एक्चुअली क्या है कि जो यूक्रेन और रशिया है ये एक्चुअली एग्री करेंगे 12-point सीज फायर डील के ऊपर, जो कि क्या होगा, एक तरीके का जो एक्सचेंज प्रोवाइड कराएगा प्रिजनर्स के, ठीक है, और डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, विड्रॉल्स ऑफ जो भी हैवी वेपनरीज वहां पर उन्होंने लगा रखा है वो वहां से विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू वायलेशन बाय द बोथ साइड द एग्रीमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, जो वायलेशन ज्यादा तरफ से दोनों साइड से देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से ये एग्रीमेंट लास्ट लॉन्ग नहीं है अब तक। The rebels moved further into Ukraine in February 2015. जो rebellions थे वो Ukraine के part में बाद में move करने लगे 2015 फरवरी के आसपास। Representative of US, Russia, Ukraine and the Organization for Security and Cooperation in Europe and the leaders of Donetsk and Luhansk signed 13-point agreement। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या क्या साइन किया, इन्होंने कौन कौन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया, यूक्रेन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन यूरोप, लीडर्स ऑफ डॉनस्टिक एंड लुहांस्क, इन्होंने एक 13-point एग्रीमेंट साइन किया विच इज नोन एज मिंक्स टू अकॉर्ड। ठीक है, मिंक्स वन तो एक्सपायर हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ, इसके वजह से मिंक्स वन एक्सपायर हो गया, ये एग्रीमेंट लास्ट लॉन्ग नहीं रहा। ठीक है, सो इन्होंने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन रशिया ने मिलकर क्या किया, इन्होंने साइन किया 13-point एग्रीमेंट विच इज नोन एज मिंक्स टू एग्रीमेंट। दिस न्यू एग्रीमेंट had provision for an immediate ceasefire, withdrawal of heavy weapons, OSCE monitoring, dialogues on interim self-governments for Donetsk and Luhansk in accordance with the Ukrainian law, and acknowledgement of the special status by the parliament, pardons and amnesty for
फाइटर एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेज एंड प्रिजनर्स, ह्यूमैनिटेरियन एड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन यूक्रेन इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन विद स्पेसिफिक मेंशंस ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, इलेक्शंस इन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, विड्रॉल्स ऑफ फॉरेन एंड आर्म्ड फॉर्मेशन, मिलिट्री इक्विपमेंट, मर्सनरीज, फुल यूक्रेनियन गवर्नमेंटल कंट्रोल थ्रू आउट द कंफ्लिक्ट जोन्स, कॉल टू द यूक्रेनियन टू रिस्टोर कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स बॉर्डर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिंग्स टू एग्रीमेंट, आपको पता होना चाहिए किस कंट्री के बीच में साइन हुआ था, कब हुआ था। इट वाज साइंड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया, इट वाज साइंड अमंग्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया, यूक्रेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन यूरोप। ठीक है, इन्होंने 13 पॉइंट एग्रीमेंट को साइन किया। इसके अंतर्गत क्या है, एक इमीडिएट सीज फायर किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो भी हैवी वेपनरीज उन्होंने वहां पर डिप्लॉय किए हैं उसका विड्रॉल किया जाएगा। ठीक है, मॉनिटरिंग की जाएगी, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, एमनेस्टी फॉर फाइटर्स दिए जाएंगे, एक्सचेंज फॉर हॉस्टेज और प्रिजनर्स, ह्यूमैनिटेरियन एड्स मैंने आपको बता दिया, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक मेंशन ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, इलेक्शन इन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, विड्रॉल ऑफ फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशन, जो भी फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशन की डिप्लॉयमेंट होगी उसको विड्रॉल किया जाएगा। ठीक है, सो ये था मिंग्स टू एग्रीमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जब मिंग्स वन एग्रीमेंट एक्सपायर कर किया गया ड्यू टू द लॉन्ग वेरिएशन, इट वॉज नॉट लास्ट लॉन्ग, ये लास्ट लॉन्ग नहीं रह पाया, तो 2015 में मिंग्स टू एग्रीमेंट को साइन किया गया। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि अगर यूक्रेन और ये रीजन, यूक्रेनियन रीजन का जो डॉनबास रीजन है वहां पर अगर इसको खत्म करना है तो मिंग्स टू एग्रीमेंट को लाना पड़ेगा, मिंग्स एग्रीमेंट को इमीडिएटली वहां पर इम्पोज करना पड़ेगा, तभी जाके यहां पर कुछ हो पाएगा। ठीक है, आपने ये मैप का ले लिया होगा मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैप है, आपको बाद में जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।